प्राचीन समय की बात है। जापान के एक शहर में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उन्हें मिलने और अपनी प्रॉब्लम का समाधान कराने आते थे। फिर एक दिन की बात है, जैन मास्टर अपने एक शिष्य के साथ बाहर घूमने निकले ही थे कि अचानक उनके सामने एक युवक आके उन्हें गाली गलौज करने लगा। वो मास्टर को बुला बुरा बोलता रहा, लेकिन मास्टर जी मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को चलता देख उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और फिर वो मास्टर सहित उनके पूर्वजों को भी अपमानित करने लगा। परंतु इसके बावजूद भी मास्टर जी मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते गए। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर नहीं पड़ता देख वो युवक उनके रास्ते से हट गया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद बड़े ही आश्चर्य से शिष्य ने मास्टर जी से पूछा कि गुरु जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बुरी बातों का कोई कष्ट नहीं पहुंचा? तब दोस्तों जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उस शिष्य को अपने साथ आने के लिए कहा। आश्रम में जाने के बाद मास्टर जी अपने कक्ष के अंदर गए और अंदर से बहुत ही गंदे और बदबूदार कपड़े बाहर लाए और उस शिष्य से कहा कि ये लो, ये अपने नए कपड़ों को उतार कर ये पुराने कपड़े पहन लो। शिष्य दोस्तों उन कपड़ों को लेते ही वापस फेंक दिए क्योंकि उन कपड़ों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तब मास्टर ने कहा कि तुम जैसे इन बदबूदार कपड़ों को नहीं पहन सकते हो ना, उसी प्रकार मैं भी उस युवक द्वारा फेंके गए आप शब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बस इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर क्रोधित हो जाते हो तो इसका मतलब तुम खुद अपने अच्छे कपड़ों को उतार कर गंदे कपड़े पहन रहे हो। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा शांत रहकर अपने विचारों और अपने गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।